धीरे नशा क्यों कम होता है? ज्ञान में आने के बाद नशा मना खुशी होती है, मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, प्राप्ति लक्ष्य इच्छा रख करके ज्ञान मार्ग में चलते हैं। और इतना पुरुषार्थ नहीं होता जितना बाबा श्रीमद् ज्ञान धारण करने की योग करने की विधि बताते, उतना कर नहीं पाते, इच्छा बड़ी रखते हैं ये मिलना चाहिए भगवान से, ये प्राप्ति होंगी, अगर वो नहीं मिलती है तो उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, कमजोरी अर्थात माया का वार तो है, पांच विकार तो हावी होते हैं, इतना बल नहीं, युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं कर सकते, उसके कारण कमजोर पड़ते जाते हैं, उमंग उत्साह कम होता है, नशा कम होता है। आने शुरू शुरू में होता है, मैं ज्ञान ये करो, योग भी करो, ज्ञान भी सुनो, श्रीमत पे चलो, खुशी खुशी सेवा सब कुछ करता है, लेकिन जितना हमारा माया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इतना पावर जितना चाहिए उतना नहीं होता है, उसके कारण जो प्राप्ति मिलनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती है। तो अलग काल की इच्छा रखते हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा ये काम होगा, ये काम कुछ नहीं हुआ तो उमंग उत्साह कम होता है, प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं। लेकिन याद होना चाहिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस पढ़ाई से, जैसे कोई बच्चा आज पढ़ाई पढ़ता है, उसको पढ़ाई पढ़ने के बाद डिग्री पास होने के बाद 5-10 साल 15 साल के बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन थोड़े बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते नौकरी करते हैं, पैसे चाहिए, गरीब भी है, लेकिन उसके पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं होता है, नाम के लिए पढ़ाई होती है, क्योंकि ध्यान उधर जाता है कमाई में। तो यहां भी पढ़ते पढ़ते पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं है और बातों में है, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होती है। और ये पढ़ाई अभी नहीं थी, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है, ये पता होना चाहिए। जो इस यहां पढ़ाई पढ़ते हो, इस पढ़ाई का जो फल है वो भविष्य के लिए है। हाँ, अभी में भी मिलता है, अभी जितना ज्ञान समझ में आता है तो उस ज्ञान से अपने को आप संभालते हो, कुछ प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, ये मेरे कर्म का फल है, ड्रामा में पार्ट है, समझ करके संतुष्ट हो जाते हो। प्राप्ति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, वो भविष्य में है, ये पता होना चाहिए। कर्मों ये पढ़ाई कौन सी, जैसे 15 साल के बाद नौकरी मिलेगी, डिग्री लेने के बाद, अभी नहीं, हर चीज का ज्ञान चाहिए। जैसे आप नारियल का झाड़ लगाओ, मिनिमम 5 साल के बाद फल मिलेगा, वही आम का झाड़ लगाओ 2 साल के बाद मिलेगा, गेहूं डालो 6 महीने के बाद फल मिलेगा। तो हर एक की विधि जानना चाहिए, ये इसका फल कब मिलेगा, ये भविष्य के लिए, पहले किए हुए कर्मों का फल ये शरीर है, इस शरीर में रहना पड़ेगा, ये शरीर को चेंज नहीं कर सकते। अभी जो कर्म कर रहे हो इसका फल ये शरीर छोड़ते ही शुरू हो जाएगा, दूसरा शरीर मिलने के बाद, इस शरीर को काले को गोरा, गोरे को और कुछ, ऐसा शरीर को चेंज नहीं करते, पहले कर्मों का फल है, इसकी गति जाननी चाहिए।